खरगोन अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश भोपाल के प्रांत व्यापी आह्वान पर गांधी जयंती के अवसर पर अधिकारियों कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर गांधी जी की प्रतिमा को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा अध्यक्ष सुधीर शर्मा के नेतृत्व में अधिकारी कर्मचारी सब्जी मंडी पार्क में एकत्र हुए और कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितों की अनदेखी कर रही है। प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक कई बार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है, इसलिए मोर्चा के आह्वान पर गांधी जयंती के अवसर पर गांधी प्रतिमा को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश सरकार को समस्याओं के निराकरण हेतु जगाने के लिए आज यह कार्य किया जा रहा है, जहां गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और प्रतिमा को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। संयुक्त मोर्चे के 55 संगठनों द्वारा आज पूरे मध्य प्रदेश की 52 जिलों में महात्मा गांधी जी के चरणों में 17 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन अर्पित किया गया है। क्या जरूरत पड़ी क्या है गांधी जी को आपने ज्ञापन दिया? गांधी जी सत्य की लड़ाई लड़ते लड़ते भारत को आज़ाद कराए और वो सत्य में ही भगवान को देखते थे, इसलिए हमने भी कहा है कि गांधी जी हमारी भी सुने और इस सरकार को समझाए कि हमारी सभी 17 सूत्री मांगों में अधिकारी से लेकर पेंशनरों तक की जो समस्याएं जो मांगे हैं वो चाहिए उसका तत्काल निराकरण किया जाए। क्या नाम लिख दिया? और आज इसी कार्यक्रम में हमारे खरगोन जिले के पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय इंजीनियर घनश्याम जी पाटीदार ने, उनके सभी साथियों ने भी संयुक्त मोर्चे को समर्थन दिया है इन्हीं मांगों की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।